वेलकम टू द फादर्स हाउस। और एक और संडे हमारे पास है, एक और समय हमारे पास है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना जरूरी है, और हम सब अपने कानों को लगाएं इस वक्त और जाने के परमेश्वर हमसे बात करने जा रहे हैं। और अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम करेंगे तो धोखा मत खाइएगा, आप वाकई में परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करोगे और आप देखोगे जो उद्देश्य आपको दिए हैं परमेश्वर ने, जिसके लिए आपको बनाया परमेश्वर ने, उन उद्देश्यों को आप पूरा करते जाओगे। और जब आप ये सब कैसा करना शुरू करोगे, अपने उद्देश्यों में चलना शुरू करोगे, आप एक नई आज़ादी को महसूस करना शुरू करोगे, एक नए अधिकार को महसूस करना शुरू करोगे जो पहले आपने किया नहीं था, जो आप पहले जो भारीपन लगता था, जो ज़िंदगी एक बोझ सी बन गई थी और जहाँ पर बहुत धक्का लगाना पड़ रहा था, अब एहसास होगा कि आप बह रहे हो एक आत्मा के बहाव में और सब चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें जो है जुड़ती जा रही हैं आपके साथ में, क्योंकि आप उद्देश्यों को पूरा कर रहे हो। और कितना ज़रूरी है हमारे लिए हमारे उद्देश्यों को पूरा करना। सो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है ताकि हम अपने उद्देश्यों को जान सकें और जानें तो उनको पूरा कर सकें। आमेन। आज मैं एक जो परमेश्वर मेरे दिल में डाला है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो कि एकदम एक अनिश्चित सा समय है। हम एक अनसर्टेनिटी है, एक अनिश्चितता है हमारे जीवन में। हम जानते नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं कि आगे क्या रखा है हमारे लिए। रोज़ हम एक नई खबर सुनते हैं और हर दिन हर हफ्ते एक नया फैसला सरकार की तरफ से आता है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जिए तो कैसे जिए, क्या योजनाएं बनाएं, आगे किस ओर बढ़ें। क्योंकि जब भी हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं, अचानक से कोई एक नई खबर आती है कि लॉकडाउन होने वाला है शायद, या फिर कुछ चीज़ें बंद होने वाली हैं, या कुछ चीज़ें और हमारे जो योजना हमारे प्लान्स हैं वो बिगड़ते जाते हैं। क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर अनिश्चितता हमारे चारों तरफ है, हम घिरे हुए हैं अनसर्टेन टाइम्स, अनिश्चित समय से घिरे हुए हैं हम। और इस समय में कैसे हमारा प्रतिउत्तर क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि निश्चित समय में जब हम सब कुछ मालूम था क्या हो रहा है, हमारा भविष्य हमको क्लियरली मालूम था, उस समय जो हमारा प्रतिउत्तर था ज़िंदगी की ओर और उसके मुद्दों की ओर, और इस समय में जो कि अनिश्चित समय जब हमको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, ये दोनों प्रतिउत्तर सेम नहीं हो सकते हैं, एक बराबर नहीं हो सकते हैं, कुछ तो अंतर होना पड़ेगा। हम उसी तरह से नहीं जी सकते हैं, निश्चित समय वाला जीवन जो है हम अनिश्चित समय में नहीं जी सकते हैं। ये जीवन थोड़ा फर्क होना चाहिए और क्या चेंजेस आने चाहिए, ये चेंजेस हमारे अंदर आने चाहिए। कि हम अगर वेट कर रहे हैं कि ज़माना बदलेगा, समय बदलेगा, तो ये आपको पता नहीं कि कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है जो आप हमेशा बदल सकते हो और अडेप्ट कर सकते हो, और वह है आप खुद का जो जीवन है, खुद की सोच है। आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने हालातों के में आप ढल सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आप इंतज़ार कर सकते हो हालातों के बदलने का, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा अनिश्चित समय के बारे में, जहाँ हम जानते ही नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अभी मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना कि मेरा भविष्य क्या है, कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा हम चाहते हैं कि कंट्रोल में रहें, नियंत्रण में रहें। निश्चित चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में, हम तुरंत हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, एक्सर्टन करना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ होना, हमको ये करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम फटाफट तय करना चाहते हैं कि हम कहाँ पर रहेंगे, हम तुरंत जानना चाहते हैं कि हमारा मकान खुद का होगा क्या नहीं होगा। हम फटाफट, अगर आप किराए पर रह रहे हो तो आपको कम से कम आपके सारे रिश्तेदारों ने आके आपको बोला होगा, और मोस्टली वो गांव वाले हैं जिन्होंने आके आपको बोला होगा कि भाई इतना खर्चा करते हो किराए में, वही आप भर दोगे किस्तों में तो आपको खुद का मकान हो जाएगा। और आप बोलते हो वाह कितनी गहरी बुद्धि की बातें की हैं लोगों ने, और आप चाहते हो कि तुरंत आपका मकान निश्चित हो जाए, और आप अपने मकान की खोज में निकल पड़ते हो, किस्तें भरना शुरू कर देते हो, जो भी किराए मकान को छोड़कर आप एक नए मकान में जाना चाहते हो। हम सब कुछ निश्चित करना चाहते हैं हमारे जीवन में, तय करना चाहते हैं, हमारा भविष्य तय करना चाहते हैं। और मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है अपने भविष्य को जानना कि क्या होने वाला है मेरे जीवन में। और यही बात परमेश्वर भी जानते हैं मानव जाति के बारे में, और इसलिए उन्होंने हमको प्रकाशित वाक्य दिया हुआ है बाइबल में, कि पूरी बाइबल तुम पढ़ लो, जान लो कि तुम्हारा इतिहास क्या था, जान लो तुम्हारा वर्तमान क्या चल रहा है, तो तुम दिख रहा है, और अब जान लो कि भविष्य में क्या होने वाला है। और कितना ज़रूरी हमारे लिए उस भविष्य की ओर देखना। लेकिन परिस्थितियाँ आज कुछ ऐसी हैं कि हम उतने दूर के भविष्य की ओर देख नहीं पाते हैं, हम आज के ही दिन में फंसे हुए हैं,
हमें आज समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि आज तो मैं जी रहा हूं शायद, लेकिन कल लॉकडाउन हो जाएगा, कल मेरी नौकरी छूट सकती है, कल मेरा काम खत्म हो सकता है, कल शायद मुझे सब कुछ छोड़ करके इस घर से निकल के छोटे मकान में जाना पड़े, शायद मैं वो छोटे मकान का किराया भी नहीं भर पाऊंगा, शायद मुझे वापस गाँव जाना पड़े, और समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य क्या है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, इनकी स्कूल का क्या होगा, इनकी फीस कैसे आएगी, क्योंकि अगर काम बंद हो गया, सब कुछ अगर लॉकडाउन में आ गया, अगर बीमारी फैल गई, अगर मेरे परिवार में कुछ लोग बीमार पड़ गए तो क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, इलाज कैसे होगा, ये ढेर सारी चीजें जो हमारे जीवन में है, अनिश्चित बातें, ये हमें परेशान कर रही हैं आज, ये हमें परेशान कर रही हैं, क्योंकि क्योंकि अगर हमें अगर हम थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे एक साल पहले शायद, तो जब हमें लग रहा था कि हाँ अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है मेरे जीवन में, अब मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई है, जब लग रहा था कि हाँ अब मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए और शायद मैं थोड़ा एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, जब थोड़ा लग रहा था कि मैं अभी अब मैंने आसमानों को छूना शुरू किया है, अब मैं एक अपना अच्छा उज्ज्वल भविष्य बनाऊंगा, जब लग रहा था कि अब मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, अब मैं शादी कर सकता हूं, जब लग रहा था कि मैंने कुछ कि मेरे जीवन में कुछ नए द्वार खुल रहे हैं, पुराने जो द्वार जो बंद पड़े थे अब खुलने शुरू हुए हैं, अब लग रहा है कि अब सब कुछ सही होने वाला है मेरे जीवन में, कि अचानक कुछ हुआ, अचानक एक नया शब्द हमारे जीवन में आ गया और वो है लॉकडाउन। और ये जो हमारे जीवन में आया नया शब्द, न जाने कहां से आया, इसके पहले ढेर सारे और शब्द आए थे, ये शब्द हमारे जीवन में एक अनिश्चितता लेकर के आए हैं, जहां पर कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये जो टर्म है लॉकडाउन, इसके पहले ढेर सारे और शब्द आए, जैसे कि कोरोना आया, कभी हमने सुना भी नहीं था कि वायरस है कोरोना नाम का, एक कोविड नाम की बीमारी, हमने कभी सुना नहीं था कोविड होता क्या है, ये कहाँ से आई है बीमारी ये। फिर एक वुहान नाम का एक शब्द हमारे, एक शहर का नाम हमारे दिमाग में आया, हमने सुना, हमारे कानों में आया, कभी सुना भी नहीं था कि वुहान नाम की कोई जगह है चाइना में कि नहीं है। पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक हमने शायद एपिडेमिक सुना था, लेकिन पैंडेमिक वो शब्द हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी किया भी नहीं होगा शायद, कहीं सुना होगा शायद, पता भी नहीं था, और वो शब्द हमारे जीवन में आ गया है। और इस तरह के कई शब्द आ गए, मास्क, सैनिटाइजर, इनका इस्तेमाल करना, जो हमने कभी सोचा, सैनिटाइजर शब्द कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी को समझा भी पाएंगे भाई सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है, ये यूज करना चाहिए, बोलेंगे कहाँ यूज करेंगे, साबुन ही काफी हमारे लिए, आज सब लोग सैनिटाइजर की शीशियां लेके घूम रहे जेब में, आप समझ रहे हो इस बात को। सो तरह तरह के नए नए शब्द हमारे जीवन में आ गए हैं, और उसमें से एक लॉकडाउन भी है, क्वारंटाइन है, और क्वारंटीन क्या मतलब, आपने आपको पता नहीं था कि क्वारंटीन क्या होता है और कैसे होता है, और लोग डरते थे शब्द से, आज बोलते हैं ठीक है क्वारंटीन है, घर में बैठ जाऊंगा कुछ टाइम के लिए मैं, और एकदम आसान से लग रहा है ये शब्द आज, ये शब्द वो शब्द है जो हमारे जीवन में एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए हैं, अनिश्चितता हमारे जीवन में आई है इन, और ये शब्द उसके पहले आए हैं, और हम इस दौर में जी रहे हैं, और इस दौर को समझना जरूरी है, और ये क्यों आया है ये और कैसे आया ये, इसको थोड़ा जानना जरूरी है। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस अनिश्चितता का, एंड अगर हम लूका की किताब में जाएंगे, लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू लूक 12 16 से लेके 21 वचन, ये एक दृष्टांत है, ये एक कहानी है जो परमेश्वर सुना रहे हैं। आप जानते हैं दृष्टांत पैराबल्स जो होते हैं, ये पैराबल्स परमेश्वर यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पे थे तो कुछ आत्मिक सत्य वो हमें दुनियावी कहानियों के द्वारा सुनाया करते थे, उसमें ढाल कर सुनाया करते थे। सो ये एक ऐसा दृष्टांत है एक धनवान आदमी का, जिसने जिसकी भूमि की बड़ी उपज हुई, यानी कि उसने एक बहुत बड़ी फसल काटी, ये किसान होगा, बड़ा उसके बड़े खेत होंगे, और उसने बोया और काटा और फसल इतनी जबरदस्त हुई कि देखकर वो खुश हो गया। और मैं पढ़ता हूं बाइबल से इसका किस्सा क्या है, 17 वचन से पढ़ रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। और यहां पर लिखा है, तब वो यानी कि वो धनी आदमी, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह।
Amen. Can you imagine that? इतनी आदमी है, इतना इतनी फसल हुई कि उसने बोला मैं रखूं कहाँ इसको मैं? और उसने कहा मैं एक काम करता हूँ, मेरे गोडाउन जो है छोटे हैं, मैं तोड़ कर उनको बड़े बड़े गोडाउन बनाता हूँ. ये प्लानिंग कर रहा है भविष्य की. आज उपज है लेकिन ये आज के आज तो खा नहीं सकता हूँ इसको, ये पड़ी रहेगी मेरे पास, क्या करूंगा इसका? तो वो योजना बना रहा है, आने वाले सालों की योजना बना रहा है. एक भविष्य दिख रहा है उसको, सब कुछ अब उसके जीवन में निश्चित है. उसको दिख रहा है मेरी मेरी फसल आ चुकी है मेरे पास में, एक सब कुछ उसके कंट्रोल में, अभी फसल आ चुकी है. कुछ समय पहले तक फसल नहीं आई थी, कुछ भी निश्चित नहीं था. अगर बारिश नहीं आई तो फसल भी नहीं आएगी, निश्चितता इतना था नहीं है. लेकिन एक उम्मीद थी उसके अंदर कि हाँ फसल आएगी, और आ गई फसल, आ गई. अब वो बोलता है ओके अब प्लानिंग करता हूं मैं. जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता हमारे जीवन में, हम प्लानिंग करते हैं भविष्य की, हम आगे देखना शुरू करते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल आगे देखते हैं. लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता हमारे जीवन में, तो कल के बारे में भी सोचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम आज ही जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम आज ही संघर्ष कर रहे होते हैं जीने के लिए. कल और परसों और तरसों के बारे में क्या सोचेंगे? आप प्रकाशित वाक्य क्या पढ़ोगे जब आप खुद ही आज आप आज परेशान हो कि कल मेरा खाना कहां से आएगा? आप कहां पर सोचोगे कि यीशु जब दोबारा आएगा तो क्या होगा? आप कहां सोचोगे उसके बारे में? कहां आपका मन लगेगा उन बातों में, क्योंकि आप आज ही के संघर्ष में डूबे हुए हो. डू यू अंडरस्टैंड? ये आदमी खुश था, इसको फसल दिख रही थी अपनी. जो व्यक्ति अपनी फसल को देख सकता है वो आगे की योजनाएं बना सकता है. अगर आपको आपकी फसल नहीं दिखती है, आप आगे की योजना नहीं बना पाओगे. अगर आप निराशा में जी रहे हो, आपको एक टूटा हुआ, एक एक एक, एक मुरझाई हुई फसल दिख रही है, तो आप भविष्य की बातें नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आपके अंदर आशा है, अगर आपको उम्मीद है, तो आप आगे के बारे में सोच पाओगे, आप योजनाएं बना पाओगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को समझना कितना जरूरी. इसलिए प्रभु ने कहा कि धर्मी जन है वो देख कर नहीं चलेंगे, वो विश्वास में चलेंगे. क्या हम हमारी फसल को विश्वास में देखकर अगले पांच साल की प्लानिंग कर सकते हैं? क्या हम विश्वास में चल सकते हैं? दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जरूरी सवाल है हमारे लिए. क्या हम सिर्फ जो दिख रहा है वही देखकर या तो हम आज के संघर्ष में खो जाएंगे, या क्या जो हमें नहीं दिखता है और जिसकी हमें उम्मीद है और जो हम विश्वास से जानते हैं कि परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, क्या हम उसको देखेंगे? अनदेखी चीजों को देख करके यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे और आगे की योजनाएं बनाएंगे? यह फैसला हमारे हाथों में होगा हमेशा. हम जिस तरह चाहे उस तरह जी सकते हैं. हम एक मुरझाई हुई फसल के दौर में भी हम एक आनंदित जीवन जी सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने उसके धर्मी लोगों के लिए एक अच्छी फसल तैयार कर रखी है. परमेश्वर अपने धर्मी का इंतजाम हमेशा करता है. हम ये जान सकते हैं, ये सोच सकते हैं, ये इसमें विश्वास कर सकते हैं, या फिर हम खो सकते हैं आज के संघर्ष में, रोजमर्रा के जीवन में, और परेशान हो सकते हैं कि आज कैसे जिएंगे, कल क्या होगा और परसों क्या होगा. पर प्रभु ने कहा चिड़ियों को देखो, ये ना तो बोती हैं और ना काटती हैं, लेकिन कोई भी चिड़िया भूखी नहीं रहती है. कैन यू इमेजिन इट? कितनी चिड़ियाएं हैं इस दुनिया में, लाखों, करोड़ों, अरबों चिड़िया जो उड़ रही हैं आपके चारों तरफ इस दुनिया में, लाखों की तादाद में है चिड़ियाएं. ये अपने भोजन की चिंता नहीं करती हैं, परमेश्वर इनको खिलाता है. आप सोच सकते हो सारी चिड़ियाएं मिलकर कितना अन्न खा रही हैं, क्या ये इनको बो और काट रही है? जी नहीं, ये सिर्फ इनको परमेश्वर इनका इंतजाम कर रहा है. ये चिंतित नहीं है कल कहां से मिलेगा. आप इनको इतना सारा अन्न दे दो, वो सिर्फ पेट भर खा के उड़ जाएगी वहां से. ये सोचेगी नहीं कि मैं इसके लिए खत्ते बनाऊं, इसको जमा करूं, रखूं. नहीं, वो निकल जाएगी चिड़िया, और फिर अगले दिन देखेगी कहीं और कुछ और मिल जाएगा उसको, वो खा लेगी कहीं पर. वो इसके बारे में इतनी चिंता नहीं करती है. उसकी सोच फर्क है, चिड़ियाओं की सोच फर्क है. पर ये धनी आदमी है, ये प्लानिंग कर रहा है, बोलता अरे इसको सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, इसको अपनी फसल दिख रही है, अब मैं कंट्रोल में आ गया हूं अपने जीवन के. और कंट्रोल में आ गया हूं किस लिए? लुक एट दिस, ही सेज, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे. क्या हम इसी की तलाश में है? क्या हम इसी की तलाश में है कि चैन से जिए, खाए पिए और खुश रहे? क्या यही हमें चाहिए इस जिंदगी से? क्या यही इस जीवन का अंजाम होने वाला है? कि क्या तेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि मैं चैन से रहूं, खाऊं पीऊं और बस आराम से जीऊं मैं. क्या यही मेरा उद्देश्य है इस जिंदगी का? अगर ये आपका उद्देश्य है तो आप बिल्कुल इस धनी इंसान की तरह हो, और आप खोज रहे हो अपने खत्तों को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, अपने बड़े गोडाउन बनाने के बारे में सोच रहे हो, और उसको भरने के बारे में सोच रहे हो. जब परमेश्वर आपको देगा तो आप भरते जाओगे उसके अंदर, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए, निश्चित हो जाए.
ये आदमी निश्चित भविष्य चाहिए उसको, वो बोल रहा है मैं कल के ऊपर मैं आज जो है इसको मैं ऐसे बचा के रखूंगा ताकि मेरा कल निश्चित हो जाए। ये वो आदमी है और इसका फोकस सिर्फ एक ही चीज इसका फोकस है, और फोकस ये है कि सब कुछ पड़ा हुआ मेरे लिए आने वाले सालों के लिए, चैन कर खा पी सुख से रहे, चैन कर खा पी सुख से रहे, चैन कर खा पी सुख से रहे। क्या हम भी उस चीज की खोज में हैं या हमारी तलाश कुछ और है? परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य को खोज तो बाकी सारी चीजें जुड़ जाएंगी तेरे साथ में। क्या तुम चैन को खोज रहे हो कि खा पी के मैं सुख से रहूं, क्या तुम इसको खोज रहे हो या क्या तुम स्वर्ग के राज्य को खोज रहे हो? एंड आई एम टेलिंग यू, स्वर्ग के राज्य को खोजने के लिए इन चीजों को कभी कभी गंवाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि बाकी चीजें जुड़ जाएंगी, जो तेरी सेवकाई के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी जरूरतें जो है उनको मैं पूरा करूंगा। मैं तेरा यहोवा यिरे हूं, मैं तेरा यहोवा जायरा हूं, मैं पूरा करूंगा इन्हें। दैट्स व्हाट गॉड सेज। लेकिन ये आदमी अपनी सुरक्षा खुद करना चाहता है, बोलता नहीं 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 प्रभु होगा होगा जो भी होगा जहां पर भी है, लेकिन पहले मैं अपना बचा लूं, कल किसने देखा है, मैं खुद को सुरक्षित कर लूं। बीच में लिखा है परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त सवाल है ये, जो हम जानते हैं इसका उत्तर, और हम जानते हैं कि ये सवाल हमारे सामने भी खड़ा होता है और इसका जवाब जानते हुए भी हम फिर वही गलती करते हैं, फिर हम उस सुख चैन के पीछे भागना शुरू करते हैं, फिर हम संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू करते हैं जानते हुए कि क्या होगा, इसका अंजाम क्या है, कुछ नहीं है। बोले मूर्ख, आज रात को तेरे प्राण तुझसे लिए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर ये नहीं बोलेगा मैं तेरे को मार डालूंगा, परमेश्वर कह रहा है क्या तुझे मालूम भी है कल तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या तुझे इतना यकीन, तुझे कैसे इतना विश्वास, तुझे कैसे कि तेरी लंबी उम्र होने वाली है तो वो 5 साल के प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला है, तुझे कैसे मालूम है ये बात? तुझे इतना बड़ा मकान बना रहा है, क्या तुझे पूरा यकीन है कि मकान के अंदर तू जी पाएगा, कि तू रहने भी आ सकेगा इसके अंदर? जो तू बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है क्या ये पूरे भी होंगे, तेको पता भी है, लेकिन तू अपने घमंड में चल रहा है कि हाँ अब सब कुछ मेरे जीवन में ठीक हो गया है, अब मैं नियंत्रण में हूं। और मनुष्य हमेशा कंट्रोल में, नियंत्रण में होना चाहता है, क्योंकि जब वो नियंत्रण में होता है तो वो जानता है वो कहां जा रहा है, लेकिन जब नियंत्रण छूटता है उसके हाथों से तो वो फिर इनसिक्योर, असुरक्षित हो जाता है, बोलता न जाने कहां जा रही है मेरी गाड़ी, मुझे पता नहीं है। बोलेगी तो स्वाभाविक है, ऑफकोर्स स्वाभाविक है, और हर वो स्वाभाविक चीज जो हमारे हमारी है वो परमेश्वर के अलौकिक दायरे से के विरुद्ध है, उसके उसके ऑपोजिट है। हर स्वाभाविक चीज अलौकिक दायरे के विरुद्ध में कार्य करती है। जस्ट थिंक ऑफ इट, आप गाड़ी चला रहे हो, आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो, आप सुरक्षित हो, मुझे यहां से वहां जाना है, मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं पहुंचा दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा जो मकाम है वो निश्चित है, मैं पहुंच ही जाऊंगा वहां पर, क्योंकि मैं चला रहा हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तो मैं वहां पर पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन अगर मैं यही गाड़ी मैं किसी और को सौंप दूं, मैं पीछे बैठ जाऊं, बोलूं भाई तू चला, और मुझे पता नहीं है आदमी कैसा है, मुझे पता नहीं आदमी जानता भी है कि नहीं जानता डायरेक्शन क्या है, मुझे पता नहीं आदमी के दिल में क्या चल रहा है, न जाने ये मुझे दिल्ली लेके जाएगा कि शायद लखनऊ पहुंचा देगा, मुझे मैं जानता नहीं हूं, अब मैं असुरक्षित हूं क्योंकि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। और अगर मैं अगर अगर वो व्यक्ति और मैं एक ही हमारी सोच होगी तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन जब सोच एक नहीं है हमारी तो हम असुरक्षित फील करते हैं, और यही हमारा हाल होता है परमेश्वर के साथ में भी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, तेरे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है, तुझे जो दिल्ली पहुंचना है तुझे लगता है कि दिल्ली तेरे लिए ठीक है, मुझे लगता है लखनऊ तेरे लिए ठीक है, मैं तुझे वहां पे लेके जाना चाहता हूं, तू यहां पर जाना चाहता है, तेरी सोच मेरी सोच नहीं है। और इसलिए हम अपनी जीवन की गाड़ी परमेश्वर को सौंप नहीं पाते हैं, हम पूरा उसको अधिकार दे नहीं पाते हैं, हम चिंताओं में डूबे रहते हैं और बोलते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम सौंपते नहीं उसको कि तू लेके जा, तू जहां लेके जाएगा मैं आने को तैयार हूं, अगर तू बोलता है लखनऊ ठीक है मेरे लिए तो मैं लखनऊ जाने को तैयार हूं, हम बोल नहीं पाते हैं उसको क्योंकि हम उसको जानते नहीं है,
समस्या ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, समस्या ये है कि हम जानते नहीं कि वो कितना अच्छा है। समस्या ये कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो धोखेबाज नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ में समय नहीं बिताया है, क्योंकि हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की है, हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, हमने किताब नहीं खोली, इसमें घुसे नहीं है इसके अंदर और उसको समझने की कोशिश नहीं की है। अगर हमने उसको समझने की कोशिश की होती, अगर हम उसके अंदर समा गए होते पूरी तरह से, तो हम जानते कि वो कितना भला है, हम जानते कि उसके अंदर उसके पास हमारे लिए कितनी योजनाएं हैं, और हम समझ पाते कि उसकी योजनाएं बेहतर हैं हमारी योजनाओं से, और हम उसको बोल पाते कि ठीक है प्रभु, मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन अगर तेरे को लगता कहीं और तो कहीं और लेके जा, मुझको चलेगा, मुझे नो प्रॉब्लम लॉर्ड, मुझे लग रहा है कि मुझे मकान बनाना चाहिए अपना, लेकिन अगर तुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं प्रभु। हम इसे कितना ही कह पाते हैं, प्रभु मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सही है मेरे लिए शादी के लिए, लेकिन अगर तू ना कहता है तो कोई बात नहीं प्रभु। कौन है जो ये कह पाता है, कौन है जो ये कह पाता है कि प्रभु जो गलत द्वार है वो बंद कर दे। प्रभु मैं इंटरव्यू के लिए तो जा रहा हूं, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर ये नौकरी ठीक नहीं है मेरे लिए तो बंद कर दे द्वार, मुझे नहीं चाहिए नौकरी है। क्या हम कह पाते हैं परमेश्वर से? और कभी कभी परमेश्वर एक लॉकडाउन लेके आता है। मैंने कहा परमेश्वर एक लॉकडाउन लेके आता है, शैतान लेके नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंहासन पर शैतान नहीं बैठा है, सिंहासन पर हमारा परमेश्वर बैठा है, और जो वो चाहता है वो होता है। और अगर बुरा भी हो रहा है इस दुनिया में तो वो केवल इसलिए हो रहा है कि उसने होने दिया है। और कई बार ये मनुष्य की मर्जी थी, जो मनुष्य ने खुद ने बुलाई ये चीजें अपने ऊपर, और कई बार परमेश्वर ने होने दिया हमको सिर्फ समझाने के लिए कि देख तेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, मैं हूं, ये दुनिया मेरी है, तू मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ तेरा नहीं है। और कभी कभी हमें समझाना पड़ता है ये, और परमेश्वर कुछ चीजें हमारे जीवन में होने देता है। एक लॉकडाउन आना पड़ा हमारे जीवन में सिर्फ ये जानने के लिए कि हम पूरी तरह से हमारे सब चीजों के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, हम हर समय कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो आदमी हर समय हर चीज के नियंत्रण में रहना चाहता है, जो अपने भविष्य को निश्चित देखना चाहता है, वो मनुष्य कभी भी विश्वास में बढ़ नहीं पाएगा, वो विश्वास में चल नहीं पाएगा। और इसलिए ये अनिश्चित समय परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम विश्वास में चलना सीखें, ताकि हम विश्वास में चलना सीखें, विश्वास में बढ़ना सीखें। क्योंकि जो क्योंकि परमेश्वर को हम जानते हैं विश्वास के द्वारा, और जब विश्वास में बढ़ते हैं तो उसकी पहचान में बढ़ते हैं, उसकी समझ में बढ़ते हैं, ये सब मिले हुए चीजें एक दूसरे के साथ में। कितना जरूरी है इस अनिश्चित समय से गुजरना, क्योंकि यहां पर हमारा चरित्र बनता है, यहां पर हमारा चरित्र बनता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। दर्द होता है, लेकिन यही समय है जब जैतून में से तेल निकलता है, ऑलिव्स में से तेल निकलता है, जब दबाव आता है हमारे ऊपर, जब परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में, आमेन। कभी कभी हमें सिर्फ ना थोड़ा मुड़ के देखना चाहिए हमारे जीवन में। ये जो लॉकडाउन आया, ये जो पाबंदियां लग गई हमारे ऊपर, इन चीजों की वजह से वो कौन सी योजनाएं थी जो चौपट हो गई हमारी? कई लोगों की बहुत सारी चीजें बंद ही हो गई, वो द्वार ही बंद हो गए। कौन कौन सी चीजों पर असर हुआ है इस लॉकडाउन का? और देखना, थोड़ा बैठ के सोचना, और आप जानोगे उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे लिए थी ही नहीं। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो हमें शुरू ही नहीं करने चाहिए थे, कुछ हमारी सोच ऐसी दिशा में चल रही थी जहां पर चलनी ही नहीं चाहिए थी, और परमेश्वर को रोक रहा था, और लॉकडाउन आया और वो सोच भी बंद हो गई और हमने अलग सोचना शुरू किया। कई तरह के ख्वाब हम देख रहे थे, और मैं बता रहा हूं आपको, अनिश्चित समय में आप ख्वाब देखना बंद कर देते हो, आप सपने देखना बंद कर देते हो, लेकिन उसके पहले जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आप ख्वाब देखते हो बड़े बड़े, और उन बड़े बड़े ख्वाब अच्छे ख्वाब तो होते हैं ये, लेकिन सब कुछ आपके उद्देश्यों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि एक खूबसूरत से नदी, पहाड़ों के बीच में एक वादी में एक बहती हुई नदी हो, और वहां पर एक मकान हो, और मकान में मैं रहूं, और बाहर आऊं अपने बगीचे में, और वहां से नदी को देखूं मैं, और पीछे पहाड़ों को देखूं, उस पर हल्का हल्का बर्फ उनके ऊपर, और इतनी खूबसूरत सी जगह पे जाके मैं रहूं धूप में, बस इतना खूबसूरत ख्वाब है ये।
लेकिन ये ख्वाब, अगर मैं इस ख्वाब में जीऊंगा, इस ख्वाब को पूरा करने जाऊंगा, तो शायद मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और मेरे लिए बड़ा क्या होना चाहिए, वो ख्वाब को पूरा करना बड़ा होना चाहिए या मेरे उद्देश्य को पूरा पूरा करना बड़ा होना चाहिए मेरे लिए? आई मीन उद्देश्य बड़ा है, वो ख्वाब बड़ा नहीं है। वो नदी और वो मकान और वो वादियां, ये तो मुझे अनंत काल के लिए स्वर्ग में मिल सकती है मुझे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये परमेश्वर ने रखी हुई है शायद मेरे लिए। लेकिन उद्देश्य जो पृथ्वी पर पूरा करना है, वो सिर्फ यहीं पर पूरा होगा, और यही समय है मेरे पास मुझे पूरा करने का। और ये समय जो निकल जाएगा, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि जो इस पृथ्वी पे होने वाला है, ये तय करेगा कि अनंत काल में मेरी पोजीशन, मेरा स्थान क्या होगा अनंत काल के लिए स्वर्ग में। लेकिन आप इतना दूर का सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप आज के जीवन में अटके हुए हो। अनिश्चितता, परेशान है हम आज को लेकर के, विश्वास में चलने देख नहीं पा रहे हैं जो चित्र परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है, जो खूबसूरती परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है, वो कहीं पर खो रही है अविश्वास में। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पैसेज विथ मी। योना का 5वां अध्याय है, मैं 1-9 पढ़ रहा हूँ, फॉलो करना अपनी बाइबल में। और यहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उस पहले उस उतरता, वो चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना। वहां एक मनुष्य था, ये हमारी कहानी इस मनुष्य की, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी से पड़ा से में पड़ा हुआ था। एक मनुष्य 38 साल से बीमार पड़ा है, 38 साल से। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उस उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। What do we learn from this? हमें एक परिस्थितियां पे दिख रही है जहां पर एक आदमी जो बिल्कुल भी अपनी परिस्थितियों के कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। उसको ये भी नहीं पता है कि आज जो मैं चंगाई नहीं मिली है मुझको, वो वेट कर रहा है कि जब पानी हिलेगा मैं डुबकी लगाऊंगा उसके अंदर, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन और भी बहुत सारे बीमार वेट कर रहे हैं, इसको पता नहीं मैं कब डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं पहुंचता हूं कोई और डुबकी लगा देता है, मैं वापस लौट के अपने जगह पे आता हूं, वेट करता हूँ कि कल फिर से पानी हिलेगा। फिर जब कल टाइम आता है मैं जाता हूँ, फिर से कोई और डूब जाता है उसके, और वो पता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ एक तरह से, यानी कि मेरा नियंत्रण खत्म हो चुका है, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, शायद मेरे हाथों में ताकत नहीं है, और मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ, नियंत्रण में नहीं हूँ। और क्योंकि नियंत्रण में नहीं है, पड़ा है 38 साल का बीमार पड़ा है बस ऐसे ही, क्या भविष्य है उसका, क्या सपना देख रहा है वो, आज से 4 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, कुछ सपना नहीं देखा, सिर्फ एक ही सपना है उसका, कल क्या होगा, कल जब पानी हिलेगा तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा क्या नहीं पहुंच पाऊंगा। और शायद उसने वो कल का सपना भी देखना बंद कर दिया होगा, सिर्फ वहां पे बैठा होगा, कोई खाना ला के दे दे मैं खा लूंगा, बस आज खाना मिल जाए उतना ही काफी है, कल देखा जाए, कल का कल देखेंगे, क्योंकि उसने शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि मैं अपने वो घसीट के लेके जाऊंगा और पानी में कूदूंगा, क्योंकि इतनी बार कोशिश की होगी, हार गया होगा, अब ही गेव अप, बोला नहीं होगा मुझसे और, शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी उसने। ये 38 साल का बीमार है ये आदमी, 38 साल का बीमार, पूरी तरह से कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे कि अगले महीने हम क्या करेंगे, 2 महीने बाद क्या होगा, हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे, करते हैं प्लानिंग कुछ, लेकिन प्लानिंग चौपट हो जाती है, क्योंकि फिर लॉकडाउन आ जाता है या कोई और वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं, कुछ और चीज हो जाती है, या फिर लोग नहीं आते। हम एक मीटिंग प्लान करते हैं लेकिन लोग बोलते हैं आए कि नहीं आए, कभी कभी लोग आना चाहते हैं, कभी कभी लोग डर के भागते हैं, और हमें समझ भी नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें, कंफ्यूजन छाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन हालातों के बीच में, इन अनिश्चित हालातों के बीच में, यीशु मसीह आकर तुमसे मिलना चाहता है, वो आकर तुमसे मुलाकात करना चाहता है। ये 38 साल का आदमी जब ये हताश हो गया, इसने अपनी सारी कोशिशें बंद कर दी होंगी, जब भी कह रहा है कि मेरे पास कोई है भी नहीं आदमी, उसने ट्राई किया होगा कि कोई मुझे हेल्प कर दे, अब तो कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है,
वो आसरा भी उसका छूट गया है, वो उम्मीद भी छूट गई है उसकी। पहले तो उसने अपने बलबूते पे कोशिश की, फिर उसने सहायता मांगी, और अब बलबूता भी नहीं रहा, सहायता भी नहीं रही। पहले आपने मकान खुद अपने पैसों से बनाने की कोशिश की होगी, फिर आपने सहायता मांगी होगी, और फिर आपने उम्मीद छोड़ दी होगी शायद। और जब आपने उम्मीद छोड़ दी है, तब आके मिलेगा परमेश्वर आपसे। उस समय में जब आप पूरी तरह से हताश हो, हारे हुए हो, यहीं पर आके मिलेगा यीशु मसीह आपसे, यहीं पर आके मिलेगा। ये लॉकडाउन का समय जो है, गंवाना मत इसको, क्योंकि यीशु अब आ रहा है आपसे मिलने के लिए। अगर आपके पास इस समय भी कान नहीं है सुनने के लिए, तो न जाने कब होंगे, न जाने कितना बड़ा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर अपनी आवाज आपको सुना सके और आपको वो कान दे सके कि सुन मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुझसे, मैं तेरे हालातों को बदलना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से तू करना चाहता है उस तरह से नहीं, मैं अपने तरीकों से करना चाहता हूं। तेरा तरीका फर्क है, तू अपनी ताकत से उस कुंड में डुबकी लगाना चाहता है। तेरा तरीका फर्क है, तू लोन लेकर के तू अपना मकान बनाना चाहता है। तेरा तरीका फर्क है कि तू इस जगह पे मकान बनाना चाहता है। मेरा तरीका फर्क है, मैं कहीं और चाहता हूं तेरा मकान हो, मैं कहीं और चाहता हूं कि तेरी नौकरी हो शायद, मैं चाहता हूं कि तेरी नौकरी शायद नहीं भी हो, मैं चाहता हूं कि शायद तू विश्वास में चले मेरे साथ में, मैं चाहता हूं कि शायद तू कुछ, शायद तू मेरे लिए जिए अलग अलग तरीके से। मेरे तरीके फर्क है, तेरे तरीके फर्क है, तेरी सोच फर्क है, मेरी सोच फर्क है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह सोचे, और इसलिए मैंने लॉकडाउन को आने दिया तेरे जीवन में, इसलिए मैंने सब कुछ तहस नहस कर दिया तेरे जीवन में। जब सब तेरा खत्म हो गया, तब मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, जैसे मैंने मूसा से बात की थी, जब सब कुछ खत्म हो गया था उसके जीवन में, जब वो बैठा हुआ था भेड़ बकरियों को लेकर के वहां पे, और सिर्फ वेट कर रहा था कि चल रही है, अब मैं घर लेके जाऊंगा इनको, और अचानक मैंने बात की थी उससे और कहा था, मूसा सुन, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तेरे लिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तेरे लिए। इस लॉकडाउन में किसको परमेश्वर एक प्रोजेक्ट दे रहा है, कौन है जिसके पास कान है जो समझ सकता है कि हाँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है, और यह समय मैं गवाऊंगा नहीं, मैं इस समय सुनूंगा कि क्या कह रहा है मेरा परमेश्वर मुझसे, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो मुझको देना चाहता है, वो क्या कह रहा है मुझसे मेरा परमेश्वर। यह समय इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इस काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा इसको। याकूब की किताब 4:13-15, एंड इट सेज, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। तुम जो ख्वाब देख रहे हो, बाइबल कह रही है, तुम जो सपने देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो कि हम एक साल बाद ये करेंगे, दो साल बाद वो करेंगे, और आप जो प्लानिंग बना रहे हो अपनी, कितनी बड़ी बेवकूफी है आपकी कि आप ये योजनाएं तो बना रहे हो अपने बारे में, लेकिन क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम भाप के समान हो। परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमको, हमें कहता है तुम एक भाप के समान हो। भाप देखा है आपने, जब आप दूध गर्म करते हो या पानी गर्म करते हो तो एक भाप निकलती है उसके अंदर से, और निकल के ऐसे गायब हो जाती है, ऊपर टिकती नहीं है वहां पे उतनी देर के लिए, बस अब गायब। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा जीवन कुछ ऐसा ही है, तुम जो आए हो पृथ्वी पर गए, आए और गए ऐसे हो तुम, और तुम इसको अपना, इसको सब कुछ मान लेते हो, और ये सब कुछ नहीं है। और तुम कैसे योजनाएं बना रहे हो इस तरह की कि मैं कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, तरसों वो करूंगा, बड़े खुश हो रहे हो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जी रहे हो जैसे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य हर बार नियंत्रण में आना चाहता है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, पर धोखा हुआ है उसे, क्योंकि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ केवल परमेश्वर के नियंत्रण में है। बोला कितना अच्छा होता अगर तुम ये कहते कि अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो मैं ये करूंगा, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं वो करूंगा, अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो मैं ये प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगा, या वो कार्य करूंगा, या इससे शादी करूंगा, या ये नौकरी करूंगा, या वहां पर जाऊंगा, या यहां पर रहूंगा, ये मकान खरीदूंगा या वो मकान खरीदूंगा, अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो। कितना अच्छा होता अगर हम ऐसा कहते,
ये बाइबल हमको समझ दे रही है। हम जाने इस बात को कि सिर्फ प्रभु में ही हमारी निश्चितता है। केवल एक ही चीज सर्टेन है, एक ही चीज पक्की है, एक ही चीज की गारंटी है, और वो है परमेश्वर की। बाकी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। यशायाह का 40:8 और यशायाह का 40:8 कहता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। Can you imagine that? It's so amazing. घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, नहीं यहां पर मैं ऐसे ही गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा यहां पर, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो चेंज नहीं होने वाला है, निश्चित है। जो चीज निश्चित है उसकी ओर देखो, जो निश्चित नहीं है उसमें क्यों हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और यही बात हमको परमेश्वर समझा रहा है इस लॉकडाउन में कि ये चीजें कुछ भी तुम्हारे जीवन में निश्चित नहीं है, तुम कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी योजना हूं, मैं तुम्हारा प्लान हूं, सब कुछ मैंने बनाया हुआ है, रखा हुआ है, जो मैंने बनाया वो चेंज नहीं होने वाला है। वॉच दिस, इट सेज यशायाह के 14:24 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है, परमेश्वर ने शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही मैं पूरी करूंगा उसे। जो मैंने ठान लिया है उसको मैं पूरा करूंगा। अगर परमेश्वर ने कुछ ठान लिया है तो वो होकर रहेगा। और जान लो इस बात को, तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ चीजें परमेश्वर ने ठान ली हैं, तय कर ली हैं, और जानो कि ये जीवन अब हमारा हमारे जीने के लिए नहीं है, लेकिन उसके रास्ते पर चलने के लिए है। जानो इस बात को, प्रभु कहता है जो मैंने तय किया है वो मैं करूंगा, और फिर हम कहते हैं जो मैंने तय किया हम करके रहेंगे। इमेजिन, आपका युद्ध किसके साथ चल रहा है? आपका युद्ध शैतान के साथ में नहीं चल रहा है, आप वचन के विरुद्ध बात कर रहे हो। आप कह रहे हो मैंने ये प्लानिंग की है, मैं ये प्लानिंग पूरी करके रहूंगा, मैं तो ये घर लेके रहूंगा, मैं तो ये शादी करके रहूंगा, मैं तो ये नौकरी हासिल करके रहूंगा, और परमेश्वर बोल रहे तूने जो प्लानिंग बनाई है तूने बनाई होगी, लेकिन मैंने भी एक प्लानिंग की हुई है तेरे जिंदगी के लिए। अब आप दुआ कर रहे हो परमेश्वर को कि मेरी प्लानिंग पर आशीष दे, और परमेश्वर बोल रहे तू वो प्लानिंग को छोड़ और मेरी प्लानिंग में चल, और कौन किसकी सुनेगा, सवाल यह है यहां पर, कौन किसकी सुनने वाला है? क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला है? हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि हम सबको ये बोलते जा रहे हैं कि मांगो और परमेश्वर देगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अरे एक मिनट, होल्ड ऑन, परमेश्वर से पहले उसकी योजना है तो मांगो, पहले परमेश्वर से ये तो मांगो कि प्रभु बता तेरी योजना क्या है मेरे लिए, पहले ये मांगो, और फिर जानो उसकी योजना क्या है, और जो उसकी योजना है वही उससे फिर से मांगो, और उसकी योजनाओं में चलना शुरू करो। आपको धोखा हुआ है, आपको लगा कि आप चर्च में आ गए हो, आपको लगा कि आपने यीशु को स्वीकार लिया है, आपको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं जो मांगूंगा मिल जाएगा, प्रभु आज मेरा धंधा बढ़ जाना चाहिए, अब बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा है, प्रभु मेरी नौकरी बढ़ जा, नहीं नहीं बढ़ रहा है, लॉकडाउन आ गया है, प्रभु मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन आ गया है, क्यों ऐसा हो गया है? समझा रहा है कुछ परमेश्वर, ये तेरी योजनाओं के बारे में नहीं है, ये मेरी योजनाओं के बारे में। मीका का 7:7 ब्यूटीफुल वर्स, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कब सुनेगा तुम्हारी? मैं मेरी परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हम इंस्टेंट चाहते हैं, आज दुआ की कल हो जाना चाहिए मेरे लिए, परमेश्वर बोल रहा है ऐसा नहीं होने वाला तेरे साथ में, सॉरी ये नहीं होने वाला है, मैं कुछ चीजों को चेंज कर रहा हूं, मैं एक लॉकडाउन लेकर के आ रहा हूं तुझे समझाने के लिए, अब तुझे बैठना पड़ेगा, मेरी बाट जोनी पड़ेगी। आप चर्च को सिखा रहा है कि बाट जोना सीखो, मेरा इंतजार करना सीखो, मेरी ओर ताकना सीखो, कि यहां पर सब तहस नहस है, लॉकडाउन है, वायरस है, वैक्सीन भी नहीं मिल रही है अभी तो, और वैक्सीन एक और नया शब्द आया हमारे जीवन में जो शायद बचपन में कभी सुना यूज किया होगा किसी ने और बाद में भूलेगा उसके बारे में, और अब वैक्सीन आ गया, बहुत जरूरी हो गया वैक्सीन, और हमें समझ में आ रहा है एक समस्या जो हमारे सामने है कि अब ये वैक्सीन की भी कोई गारंटी नहीं है,
वैक्सीन भी निश्चित नहीं है, क्या कहां जाएंगे इन हालातों में। परमेश्वर कह रहा है, मेरी ओर देख, मेरी ओर ताकना शुरू कर, मैं तेरी चंगाई हूं, मैं तेरी रिहाई हूं, मैं तेरा जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, और कोई नहीं है तेरा, और कोई नहीं है। तेरे पैसे भी काम नहीं आएंगे, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तेरे बाप दादों की जायदाद काम नहीं आएगी, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। पिछली बार कब हमने ऐसा कहा था कि प्रभु बस मैं बैठा हूं तेरे चरणों में, अब एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, छह घंटा लगे, मैं बैठा ही हूं प्रभु बस। अब तू जब बोलेगा तभी, जब तू बोलेगा ठीक है जा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं बैठूंगा तेरे साथ में। पिछली बार कब कहा था हमने? आई डोंट नो कब कहा था, आई डोंट नो हमने कब कहा था। हम बहुत बिजी लोग हैं, बहुत बिजी हैं हम लोग, हमारे पास टाइम ही नहीं है। दो घंटा तीन घंटा कैसे बैठेंगे? अरे भाई घर के कितने काम है, अरे वहां पे नौकरी पे जाना है, ये करना, बहुत कुछ करना, और वो सब चीजें बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर परमेश्वर का क्या होगा? क्या वो जरूरी नहीं है? और ये सवाल भी हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर जरूरी नहीं है? और फिर जवाब कहां पर है? परमेश्वर के पास ही है। बोलते मैं लॉकडाउन ही लेकर के आता हूं तेरे जीवन में, जा खत्म हो गया सारा सारा किस्सा, अब बैठ जा, जा तू और मैं, हम दोनों बैठेंगे। इस समय को गंवाना मत। मरियम और मार्था, मार्था बहुत बिजी थी अपने कामों में, मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में। वही स्थान है हमारा, यीशु के चरणों में। काम तो है और होगा और होता रहेगा काम जिंदगी में, लेकिन एक समय आता है यीशु के चरणों में बैठने का, वो समय वो करना जरूरी है। और उस समय तुम्हारा काम मार खाने वाला है। उस समय काम के समय पे काम, और प्रभु के समय पे प्रभु का समय, और प्रभु को समय देना जरूरी है। कहां है हमारे टाइम टेबल में यीशु मसीह? बाकी सब हमारे टाइम टेबल में, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना पकाना है, कितने बजे काम पे जाना है, कितने बजे काम से लौटना है, कितने बजे आराम करना है, ये भी हमारे टाइम टेबल में। कितने बजे टीवी देखना, वो भी टाइम टेबल में है। कितने बजे खाना खा के सोना, वो भी टाइम टेबल में है। किस समय से किस समय कौन से दो घंटे यीशु के चरणों में बैठना है, वो टाइम टेबल में नहीं है। और क्योंकि नहीं है, हम करते नहीं है। मत्ती के 28 और 20 में वो कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। उसका वायदा है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जरूरी है जानना इस बात को। ये लॉकडाउन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन इसके बीच में हमें परमेश्वर को खोजना जरूरी है, उसके साथ साथ चलना जरूरी है, उसके हृदय को टटोलना जरूरी है। इस समय में तेरी क्या इच्छा है मेरे लिए, ये जानना जरूरी है। आवाज को सुनना जरूरी है, उसकी बात जोना जरूरी है, आराधना में बैठना जरूरी है। आराधना में हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आराधना में उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। क्या कह रहा है आत्मा दिल में, क्या बात डाल रहा है हमारे। जब निराशा आती है तो वचन खोल के बैठे और परमेश्वर क्या डाल रहा है हमारे अंदर बातों को, उनको जानना जरूरी है। हम सबसे मोहब्बत करता है परमेश्वर, बेहद प्यार करता है, और अपनी मोहब्बत में ऐसी चीजों को हमारे जीवन में होने देता है जो हमें खींच करके बार बार उसके पास लेकर के आती है। वो अपने लोगों को बटोर रहा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को बटोर लेती है, अपने पैरों के नीचे ले लेती है, वैसे ही परमेश्वर हमें कर रहा है इस लॉकडाउन में, अपने आड़ में लेकर के आ रहा है कि आओ और मुझ में छुप जाओ, यही तो मैं चाहता हूं। बिखरो मत, फैलो मत, खुद मत जाओ करने के लिए, मेरे पास आओ, तुम्हारा हल, तुम्हारे जवाब मेरे पास में है। तो क्यों ना हम ऐसा ही करें चर्च, क्यों ना हम सब मिल करके फिर से लौट के आए उसके पास में और कहें, हाँ प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवाज को सुनना है, मुझे जानना है कि तेरा तेरा डायरेक्शन क्या है, तेरी सोच क्या कहती है इस समय में, मेरे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। सिर्फ मेरे दिल की चाहत नहीं कि खा पी और सुख चैन से रहे, सिर्फ ये नहीं प्रभु, मैं इसको त्याग करके मैं आ रहा हूं तेरे पास में कि तू बता कि क्या करना है मुझको, और मैं सुख चैन को गंवा सकता हूं राज्य के लिए, मैं तैयार हूं वो करने के लिए। हो सकता है कि मेरा मकान कभी भी नहीं हो इस दुनिया में, चलेगा मुझको प्रभु, लेकिन मेरे को मेरा उद्देश्य पूरा करना है, लेकिन मुझे मेरा उद्देश्य पूरा करना है। क्या आज हम ऐसा कहेंगे हमारे परमेश्वर से, और क्या हम एक जिंदा परमेश्वर के सामने आएंगे एक अर्पित जीवन लेकर के, एक अर्पित हृदय लेकर के, कि प्रभु हम तेरे हैं, जहां तू चाहे वहां पर हम जाएंगे, जो तू बोलेगा वो हम बोलेंगे, जो तू बोलेगा करो हम करेंगे, बस केवल तेरे हैं हम। आमीन। तो हम आज ये तय करें इस बात को और परमेश्वर के आशीषों में चलें, और यही परमेश्वर की मर्जी है हमारे लिए। हालेलुया एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे